भागलपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे यार्ड के पीछे पानी की बनी टंकी में एक युवक का शव मिला है। कई दिनों से पानी में महक के बाद रेलवे सफाई कर्मी पानी टंकी को साफ करने के लिए जब गए, तब वहां टंकी के अंदर युवक का शव देखा। शव देखने से प्रतीत हो रहा है कि 5-6 दिन पुराना शव है। पानी की टंकी में शव तैरते हुए देखा गया। 80 फीट ऊंचे पानी टंकी से शव निकलना पुलिस के सामने चुनौती बन गई है। हालांकि पुलिस शव को निकालने की कोशिश कर रही है। फोरेंसिक टीम ने भी इसकी जाँच शुरू कर दी है। आरपीएफ और जीआरपीएफ के प्रभारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर शव निकालने को लेकर मंथन कर रहे हैं। 80 फीट ऊंचे पानी टंकी से बॉडी को कैसे निकाला जाए, इसकी जुगाड़ की जा रही है। वहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर युवक पानी की टंकी पर कैसे पहुंच गया। पानी की टंकी में शव मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पानी की टंकी में कुछ जहरीला पदार्थ डाल देता है तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पानी पूरा मतलब रेलवे में जाता है, सप्लाई होता है, तो जब देखा गया तो ऑटोमेटिक उसके अंदर में कुछ बॉडी साइन पड़े हुए हैं, तो सूचना देने सारा रेलवे वाले सब आए देखे जांच के, लेकिन पूरा कंफर्म नहीं हुआ कैसे उसके अंदर बॉडी गया और कैसे ये हुआ है, ये अभी कोई सूचना नहीं हुआ। हाँ, अभी पूरा जारी है निकालने, टीम आ रही है, पूरा सब रेलवे के सब जितना है पदाधिकारी सब आ रहे हैं कि कैसे ये बॉडी गया, कैसे ये खुला है ऊपर, जो ये कैसे आदमी चढ़ गया और कैसे स्पॉट कर गया उसके अंदर। पानी कहाँ कहाँ जाता है? पानी पूरा मतलब रेलवे में सप्लाई होता है। 14 सितंबर की देर रात भागलपुर में सिल्क कपड़ा व्यवसायी मोहम्मद अफजाल को अपराधियों के द्वारा सड़क के बीचों बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1 महीने बीत चुके हैं। इस घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद इरशाद हुसैन सहित 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी फरार है। इस बाबत भागलपुर के एसएसपी बाबूराम नाथनगर थाना पहुंचे और कांड की समीक्षा की और कई बिंदुओं पर चर्चा की। मामले में एसएसपी ने कहा कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। इस दौरान अन्य जघन्य अपराधों की भी लगभग 1 घंटे तक पड़ताल की गई। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। दूसरी ओर प्रशासन की सुस्त कार्यशैली से मोहम्मद अफजाल के परिजन काफी नाखुश है। उनका कहना है कि 1 महीने बीतने के बावजूद अब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, यह उनकी कार्यशैली पर सीधा सीधा सवाल खड़े करता है। व्यवसायी की हत्या हुई थी, उसमें कुछ अभियुक्त तो गिरफ्तारी हुई है, कुछ अभी भी फरार चल रहे हैं। अफजाल खासकर जो मुख्य अभियुक्त है इरशाद, उसकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। उसकी समीक्षा के लिए यहाँ थाना पे हम लोगों ने आज बैठक रखी हुई है। अपराध नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई चलती रहती है। अब खासकर जैसे अभी त्यौहार हैं, काली पूजा दीपावली है, इसके लिए कई बार व्यवसायी लोग बाजार में काफ़ी सारा कैश कैरी करते हैं, लोग भी खरीदारी करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए सभी थानों को हम लोगों ने निर्देश दिया है कि जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट हैं, अपराधी हैं जो जेल से छूटे हुए हैं, उनकी थानावार सूची अद्यतन करके उनका गतिविधि का सत्यापन करना, उनके ऊपर नज़र रखना है। शहर में गाड़ियों को रोको टोको करके चेक करना है, खासकर ट्रिपल राइडर लोग हैं, यंगस्टर लोग हैं, तो ये तमाम जो उपाय हैं किए जा रहे हैं, इसके लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पहले के जो केस हैं, पीछे के कुछ मर्डर केस हैं, लूट डकैती के केस हैं, जिनमें कुछ अभियुक्त अभी भी फरार हैं, उन केस में कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। इसके लिए जो हमारी CIIT की टीम है और वज्र की टीमें हैं, उनको भी लगाया गया है और ASP और CTSP भी इसके लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बाइक चोरी के केस में काफ़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, अभी भी कल रात से टीम लगी हुई है, कई चोर गिरफ्तार हुए हैं और 6 से 8 बाइक भी बरामद हुई है। अभी छापेमारी जारी है, पूछताछ चल रही है, इसमें और सफलता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ बाइक के लूट केस का भी उद्भेदन हुआ है। जो वाहन चोर जिन्हों पकड़ाया है, वो वाहन चोरी भी करते थे और लूट भी करते थे। भागलपुर में मद्य निषेध उत्पाद विभाग में सिपाही पद की परीक्षा में 78 फर्जी परीक्षार्थी को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। नाथनगर के 3 परीक्षा केंद्रों से इन सभी को गिरफ्तार किया गया। कई परीक्षार्थी ब्लूटूथ के साथ पकड़े गए तो कई परीक्षार्थी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, जिला शिक्षा पदाधिकारी व सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने पकड़े गए परीक्षार्थियों से पूछताछ की। SSP बाबूराम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, इसमें से 11 केंद्रों से कुल 78 फर्जी परीक्षार्थियों वह ब्लूटूथ लगाकर परीक्षा देने वालों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, साथ ही नेटवर्क का ही पता लगाया जा रहा है। बता दें कि शहर में आज मद्य निषेध सिपाही नियुक्ति परीक्षा में 7931 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था। यहां कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। आज कुल सभी 15 केंद्र थे यहां पर। 15 में से 78 लोग ऐसे पकड़े हैं जो ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल करके नकल कर रहे थे, और इसमें इन लोगों से जो पूछताछ हम लोगों ने की है
उन्होंने बताया कि अलग अलग जगह के लोग रहने वाले हैं, कोई मुंगेर जिला का है, कोई भागलपुर का, नौगछिया का, बांका का। तो कुछ लोगों ने यहाँ स्थानीय स्तर पर इस डिवाइस को हासिल किया, कुछ ऐसे भी हैं लोग जो पटना से लेकर आए हैं। तो ऐसा लगता है काफ़ी बड़ा नेटवर्क लग रहा है। और इस डिवाइस का इस्तेमाल ये कैसे कर रहे थे, इनको जो आंसर बताने वाले कोई एक आदमी इन्वॉल्व था या उसमें काफ़ी लोग थे, इन सब की जाँच पड़ताल भी चल रही है, पूछताछ की जा रही है और इसमें कुछ समय लग सकता है। लेकिन एक आदमी में ये पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि गैंग कैसे ऑपरेट कर रहा था। टोटल 15 केंद्र थे, सभी पर नहीं पकड़ाए हैं, लगभग 10-11 केंद्र से कुल 78 लोग पकड़ाए। भागलपुर पुलिस ने बाइक चोरों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है, साथ ही बाइक चोरी कर बाइक का इंजन से जुगाड़ गाड़ी बनाने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 8 बाइक व इंजन से बाइक बनाए गए जुगाड़ गाड़ी को बरामद किया गया। विधि व्यवस्था DSP कुमार गौरव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि लगातार बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद टीम बनाकर भागलपुर, मधेपुरा और पूर्णिया में छापेमारी की गई। टीम ने सबौर थाना क्षेत्र से बाइक चोर लवकुश कुमार, कहलगांव से सुबोध कुमार, जीरो माइल थाना से संदीप कुमार, पूर्णिया से कुंदन और थाना क्षेत्र से अंकज कुमार अपराधी को गिरफ्तार किया है। सबौर थाना पुलिस ने 6 बाइक व बरारी पुलिस ने 3 बाइक बरामद किया है। DSP ने बताया कि चोरों ने बाइक चोरी कर उसे जुगाड़ गाड़ी में बदलने का अनोखा तरीका अपनाया है, इस पर लगातार छापेमारी की जाएगी। एक मोटरसाइकिल चोरी की घटना जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे वो विधि व्यवस्था अनुमंडल हो। तो इसके सेंसिटिविटी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने स्पेशल टीम का गठन किया, शहरी क्षेत्र के अनुमंडल में भी और विधि व्यवस्था अनुमंडल में भी स्पेशल टीम जो है इसके ऊपर काम कर रही थी, अनुसंधान कर रही थी, जांच कर रही थी और त्वरित कार्रवाई करते हुए अभी 15-10-22 को लवकुश कुमार को जो है गिरफ्तार किया गया। और लवकुश कुमार के निशानदेही पर हीरो स्प्लेंडर और हीरो HF डीलक्स, इन दोनों मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। और लवकुश कुमार के निशानदेही पर सुबोध कुमार को ग्रे अपाची के साथ गिरफ्तार किया, इसको रिकवर किया गया। और लवकुश कुमार की निशानदेही पर संदीप कुमार को भी गिरफ्तार किया गया यामा FZS के साथ। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात सामने आई अनुसंधान में कि ये सारे जो मोटरसाइकिल थे, ऐसा भी देखा गया है कि इसका जो इंजन है मोटरसाइकिल का और उसको ये लोग जुगाड़ गाड़ी में इस्तेमाल करते थे वहाँ पे। और पूर्णिया में ये एक छोटा सा जो है इन्होंने छोटा सा एक फैक्ट्री और स्थापित किया था और वहाँ पे कुंदन कुमार को गिरफ्तार किया गया पूर्णिया से। और उस कुंदन कुमार के पास वाइट अपाची जो है वो रिकवर किया गया चोरी का। और वहाँ पे अद्ध निर्मित जिसमें होंडा का इंजन है जो कि अभी रिकवर किया गया है और यहाँ पे आपके समक्ष रखा गया है, वो भी रिकवर किया गया है। तो एक जो ये पैटर्न देखने को आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये लोग जो इंजन है जो भी शहरी क्षेत्र से या उसके आसपास के थाना क्षेत्र से ये लोग जो इंजन जो है चोरी का वो जुगाड़ गाड़ी में इस्तेमाल करने का एक छोटा जो है इंडस्ट्री ये लोग आसपास शहरी इलाके में स्थापित कर रहे हैं। और ये जो फॉरवर्ड लिंकेज जो है उद्भेदन किया गया है पुलिस टीम द्वारा, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और CTSP साहब का मॉनिटरिंग भी था इसमें, तो हम लोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उद्भेदन किया। और बहुत सारे ऐसे थाना हैं जो अभी विगत कुछ सप्ताह में, जैसे कि घोघा है, तिलका मांझी है, सुल्तानगंज है, ये सब मिलके बहुत सारा जो चोरी का मोटरसाइकिल है वो बरामद किया गया है। और इसी कड़ी में बरारी थाना जो कि शहरी अनुमंडल है वहाँ पे अंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है और उसके उसके निशानदेही पर और उसके पास हीरो डीलक्स जो है वो जो मोटरसाइकिल है वो बरामद किया गया। और उसके निशानदेही पर एक हीरो ग्लैमर और हीरो होंडा, हीरो ग्लैमर जो है वो शमशान घाट के पास से उसके निशानदेही पर रिकवर किया गया, चोरी का मोटरसाइकिल है। और एक सीढ़ी घाट से हीरो होंडा जो है वो रिकवर किया गया। इन सब का जो है आपराधिक इतिहास है। और जैसे कि लवकुश कुमार का जो भी छोटा सा गिरोह है इनका, और जिसमें सुबोध हैं और संदीप हैं, इसमें इन लोगों के ऊपर लूट का भी मामला है और कहलगांव थाने में, और इन लोग का आपराधिक इतिहास रहा है। और भी जो आसपास के जितने भी जिला हैं वहाँ पर भी इनका आपराधिक इतिहास जो है वो खंगाला जा रहा है। और मतलब हम लोग इन लोग से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारी टीम, और भी जो आपराधिक इतिहास है उसमें ऐड किया जाएगा। और जो अंकज कुमार है इसके ऊपर भी आपराधिक इतिहास है, 4 केसेस जो हैं इसके अंदर वर्णित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है अंकज कुमार के बारे में कि 1/1/22 को इसी साल ये जो है कोर्ट हाजत से जो है फरार हो गए थे।
भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र के लोगों ने भुड़ाथ पुल निर्माण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। भुड़ाथ पुल के कार्य नक्शे के हिसाब से फ्लाईओवर गुमटी नंबर 3 से उठाया जा रहा है और शीतला स्थान चौक तक बनने जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 3 नंबर गुमटी से लेकर अंधा स्कूल तक घनी आबादी है, जिसके चलते यहां के लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। साथ ही प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि पता चला है यहां के लोगों को रोड के अलावे 22 से 25 फीट सबों का मकान और दुकान तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यहां के सभी लोग बेघर हो जाएंगे और दुकान नहीं रहने कारण सबों का रोजगार खत्म हो जाएगा। दुकान टूटने कारण आदमी के पास रोजगार नहीं रहेगा। प्रदर्शनकारी संगठन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन से मिलकर अपनी बातें रखने जा रहे हैं। साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि पुल निगम को अपनी जमीन देने में हम लोग सक्षम नहीं है, किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे, क्योंकि हम लोगों का घर और व्यवसाय के लिए दुकान एक कट्ठा आधा कट्ठा में ही बना हुआ है। हम लोगों का मकान दुकान नहीं बेचेंगे, हम लोग बेघर हैं और बेरोजगार हो जाएंगे, इसलिए हम लोग पुल निगम को जमीन नहीं दे पाएंगे। वहीं इसाकचक भुड़ाथ पुल फ्लाईओवर ब्रिज से नहीं जोड़ने को लेकर भुड़ाथ पुल संघर्ष समिति के द्वारा भी बैठक की गई। मीडिया से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारी मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो जन आंदोलन किया जाएगा। हम लोग भोलानाथ फ्लाईओवर जो बन रहा है शीतला स्थान के तरफ 300 मीटर में बनाया जा रहा है और भीखनपुर के तरफ 900 मीटर में क्यों बनाया जा रहा है, इसी के लिए वो हम लोग चाह रहे हैं जितना शीतला स्थान के तरफ लिया जा रहा है 300 मीटर, उतना भीखनपुर के तरफ भी 300 मीटर में पुल को बनाया जाए। दूसरी बात है, ये पुल इसाकचक का मांग है, इसाकचक के लिए कनेक्टिव पुल क्यों नहीं दिया जा रहा है और डिक्सन रोड के तरफ क्यों नहीं उतारा जा रहा है, वो तो फिर नाला का पानी हो ही के जाएगा, तो फ़ायदा क्या है पुल बनाने से। इससे अच्छा है कि 2-4 लाख खर्च करके बढ़िया से ड्रेन सिस्टम कर दे दुरुस्त को। राजेश कुमार, और हम लोग किसी भी हालत में अपना भूमि अधिग्रहण करवा करके मुआवजा ले करके पुल बनाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग का एक कट्ठा आधा कट्ठा ही जमीन है घर का, उसी में रहना है, उसी में दुकान करना है। एक एक कट्ठा आधा कट्ठा में 4-5 परिवार रहता है, वही है कि लगता है देखने में कि अलग अलग है सब, लेकिन सब है साथ। नितिन, माननीय नितिन नवीन जी, पथ निर्माण मंत्री के द्वारा वीडियो कॉलिंग के द्वारा हम लोगों को यहाँ पर वीडियो कॉलिंग में बताया गया कि यह पहुँच पथ इसाकचक की तरफ जो पहुँच पथ दिया जा रहा है उसमें आपकी बात को मान ली गई है और सरकार तक ये बात मान ली गई है और आपको मिलेगा। इसी आधार पर अखबार में भी निकला कि ये पहुँच पथ इसाकचक की तरफ दिया गया था। पहले डिक्शन रोड की तरफ जो पहले से निकलता था कि अखबार में डिक्शन रोड की तरफ पहुँच पथ है, वो सरकार के द्वारा स्वतः दी गई थी, लेकिन अब अखबार के द्वारा ही हम लोगों को पता चल रहा है कि डिक्शन रोड की तरफ में भी पहुँच पथ खत्म कर दिया गया है और इसाक चक्की तो जो पहुँच पथ दिया है उसमें कई टर्म एंड कंडीशन लगा दिया गया है। इस आधार पर हम ये मान के चलते हैं कि इसाक चक्की तरफ में भी यह नहीं बनेगा पहुँच पथ। इसी आधार पर आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, बैठक किए हैं और इसके बैठक में हम इन लोगों को सारे फिर मेमोरेंडम सभी पदाधिकारी मिनिस्टर मंत्रीगण को, चीफ मिनिस्टर साहब को, उप मुख्यमंत्री जी को, सबों को हम लोगों ने भेज दिया है कि हमारी मांग को माना जाए। हम लोगों की मांग जेन्युइन है। 5 लाख की आबादी इससे सफ़र कर रही है, 5 लाख की आबादी को कैसे फिर से यदि भोलानाथ पुल बन जाता है तो उसी पानी से होकर ही जाना पड़ेगा, तो इसकी उपयोगिता हमारी क्या रह जाती है ROB बनने की। इसी मांग को लेकर के हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं और सबों के साथ दे रहे हैं। यह आंदोलन दोनों ही तरह से चलेगा, शांतिपूर्वक भी चलेगा और पहले तो शांतिपूर्वक रहेगा और यदि शांतिपूर्वक सरकार हमारी मान लेती है तो बहुत अच्छी बात है और मान ही लेनी चाहिए सरकार को, सुशासन की सरकार है हमारी, और यदि नहीं हुए तब तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन भी हो सकता है। भागलपुर के कहलगांव से सटे कुलकुलिया गांव के सिंचाई विभाग के पंप हाउस नंबर 1 के समीप गंगा किनारे एक डॉल्फिन मृत अवस्था में तैरती हुई पाई गई। ग्रामीणों ने उसे नदी किनारे झाड़ के बीच फंसा देखा तो आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई। मृत डॉल्फिन के मुंह में जाल का एक टुकड़ा भी देखा गया। डॉल्फिन को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ बड़ी संख्या में जुट गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस तथा वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों को दे दी, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे। इस डॉल्फिन की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। हम आपको बता दें कि भागलपुर जिले में गंगा नदी का सुल्तानगंज से लेकर कहलगांव बटेश्वर स्थान तक का क्षेत्र डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र कहलाता है और यह क्षेत्र डॉल्फिन का प्रजनन केंद्र भी है, जहां बड़ी संख्या में डॉल्फिन और जलीय जीव का बसेरा है। जिला प्रशासन और सरकार के द्वारा इस पूरे इलाके में डॉल्फिन और जलीय जीव के संरक्षण को लेकर इसको नुकसान पहुंचाने वाले जाल के प्रयोग पर पूरी तरह रोक है। बावजूद इसके मछुआरों के द्वारा किए जा रहे जाल की चपेट में आकर प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में डॉल्फिन की मौत हो जाती है।
क्या मैटर है यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है? यही पंप हाउस के बगल में शौच करने के लिए आए हैं, तो देखे डॉल्फिन पंप हाउस के बगल में मरा हुआ है, बगल में जाल, उसके मुंह में जाल फंसा हुआ है। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत भागलपुर के 25 गांव में एक साथ की गई। कचहरी चौक से घंटाघर चौक तक कैंडल मार्च निकालकर बाल विवाह के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित की गई। साथ ही नाथनगर, खरी, कहलगांव, जगदीशपुर आदि प्रखंड के 25 गांव में भी एक साथ कैंडल मार्च निकाला गया तथा सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित संवाद को संबोधित करते हुए संवेद की वर्षा ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के आह्वान पर यह राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे देश के 5000 गांव में चलाया जाएगा। यह कार्यक्रम उस अभियान की शुरुआत है। ये कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का हिस्सा है। नोबेल पुरस्कार, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी जी का आह्वान है ये कि भारत में बाल विवाह मुक्त भारत हो, तो ये अभियान जो है वो एक साथ पूरे देश में 5000 गांव में चलाया जा रहा है। तो ये यहाँ जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं ये भी उसी का हिस्सा है और ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। आज ये इसकी शुरुआत है और इसमें हम लोग कैंडल मार्च निकाल के बाल विवाह के प्रति जो है एकजुटता, बाल विवाह के विरोध में एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। और हम लोग सभी जानते हैं कि अभी जितना भी आधुनिकता और विकास का दावा कर लिया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि बाल विवाह उन्मूलन समाज से हुआ नहीं है। तो हम लोग इसके लिए लगातार संवेद जो है वो यहाँ पे भागलपुर में इस अभियान का नेतृत्व कर रही है, संयोजन कर रही है। भागलपुर सहित पूरे अंग प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाए जाने वाले काली पूजा और मां काली के विसर्जन शोभा यात्रा को लेकर स्थानीय धर्मशाला में काली पूजा महारानी महासमिति की बैठक आयोजित की गई। सबसे पहले 2021-22 के खर्च का लेखा जोखा पेश किया गया। पिछली बार काली पूजा के दौरान आई परेशानियों को इस बार किस तरह से खत्म किया जाए इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं नई समिति को लेकर चुनाव की प्रक्रिया भी की गई, जिसमें नए पदाधिकारियों का चुनाव इस बार के लिए किया गया। काली पूजा विसर्जन को लेकर किस तरह से तैयारी की जानी है इसको लेकर आम सभा में चर्चा की गई। इसके साथ साथ जिला प्रशासन का किस तरह सहयोग पूजा समिति को मिले इसको लेकर भी बैठक में आए लोगों ने कई बिंदुओं पर चर्चा की। बैठक के दौरान सभी काली मंदिरों के पति, शहर के शिक्षाविद, समाज सेवी और समिति के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक की जा रही है क्योंकि आज श्री 108 केंद्रीय काली महारानी केंद्रीय महानगर समिति की आज आम बैठक है। इस बैठक में मुख्य रूप से जो है 2021 और 22 के आय व्यय का ब्यौरा दिया जाएगा। उसके बाद समीक्षा बैठक होगा कि पिछले वर्ष क्या कमी रही, समितियों के द्वारा राय लिया जाएगा पिछले वर्ष क्या कमी रही, इस बार और अच्छा क्या करना है। उसके बाद आम सभा होना है जो हर वर्ष हुआ करता है, जिसमें अध्यक्ष, महामंत्री, कार्यकारी अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, कुछ प्रमुख लोगों का भी जो है चयन होना है। इसके उपरांत जो है विसर्जन सभा यात्रा का जो तिथि होगा वो भी लगभग आयोजित है, हमको लगता है कि हो जाएगा। तो इन सभी प्रमुख बातों को लेकर के आज यहाँ पर बैठक है। इसमें मतलब कि चुनाव भी होने हैं? हाँ, चुनाव तो होगा, तो हर वर्ष प्रक्रिया है, वो होना ही होना। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज में MLM कोटा सीट पर धांधली का आरोप लगाते हुए NCC, NSS, स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों ने जमकर बवाल काटा। प्रदर्शन के दौरान सभी आंदोलनकारी छात्र हाथों में तख्तियां लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति आवास पर धरना दिए। प्रदर्शनकारी छात्रों के द्वारा कुलपति आवास के मुख्य गेट पर घंटों नारेबाजी की गई। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया में कोटा सीट पर NCC, NSS, स्पोर्ट्स से जुड़े छात्र को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों के साथ सिर्फ छल करने का काम कर रही है, सिर्फ आश्वासन देने का काम कर रही है। अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो यहीं पर फांसी लगाकर मर जाएंगे।